नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बनाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 8 जुलाई और टाइम हो रहा है 11:15, लाइव मार्केट ओपन है। तो आज जो मेरा शेयर रेडार पर आया, पिछले एक वीक से मैं इसको डेली वॉच लिस्ट पर लगा रखा था, तो ये आज जो मेरा शेयर है सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड का है। तो बेसिकली क्या इसमें अभी अप ट्रेंड बाकी है, क्या और भी अप मूव आएंगे, क्या सही समय इसमें इन्वेस्ट करें, चलिए देख लेते हैं। तो आज ही ओपन होता है 13,318 रुपये का, हाई मारता 328 रुपये का, लो मारता 317 रुपये का, और इसका 52 हाई है 333.70 रुपये, 52 लो है 125.05 रुपये। देखो, सियाराम सिल्क नाम से समझ आ रहा होगा, टेक्सटाइल की कंपनी है। बेसिकली कंपनी का बहुत ही अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी के अंदर वर्किंग भी काफ़ी अच्छा है। जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है, वैसे वैसे आप समझते हैं टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ती जा रही है, टेक्सटाइल का, और आज ये 4% की तेज़ी के साथ वर्क कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं भाई इसके अंदर और भी क्या ट्रेंड है, क्या नहीं है। तो पहले हम इसमें चार्ट में देखते हैं, मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ, फिर डेली चार्ट में कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो ये देखते हैं कि भाई आज ये कहाँ पर है। एक मिनट, जिसका पहले 4 मिनट, अब इसका ये डेली चार्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तो समझने के लायक होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा करें। ये इसका डेली चार्ट ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये ओवर सेल वॉट में जा चुका है, ज़्यादा सेल मार चुके हैं लोगों इसमें, बट इसमें सही समय अभी इन्वेस्ट करने का, ये देखें यहाँ पे ये, मगर यहाँ का ये सपोर्ट ले रहा है। मैं वीकली डेली चार्ट, यहाँ वीकली चार्ट ओपन करता हूँ तो ये देखिए डेली चार्ट ओपन हो रहा है इसका, ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे कैंडल से, तो ये डेली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये 200 रुपये से तेज़ी से भागा है ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, और वीकली चार्ट पे इसका MACD RSI एकदम अच्छे अप ट्रेंड की तरफ है, और ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये। तो अगर ये इसका मेरा जो पहला टारगेट है, पहला टारगेट मेरा इसमें 340 रुपये का, दूसरा टारगेट मेरा 360 रुपये का, इन दो टारगेट लिए जिससे मैं बाय करके होल्ड के पेशेंस बनी रही है। इसमें थोड़ा डाउनफॉल पे जाएगा, 290 तक जा सकता है, मैं जब भी गिरावट उसमें बाय करिए, पहला टारगेट 340 रुपये का है, दूसरा टारगेट 360 रुपये का। तो अभी भी मैं इसमें, अब मैं टिकट टाइप की साइड पर आ गया, टिकट टाइप की साइड पर देखिए इसमें, देखिए ये देखिए पिछले यानी कि इसने 1 वीक के अंदर कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, ये देख लेते, 0.34% का दिया है, और 1 मंथ में माइनस में होगा शायद, ये देखिए मगर ईयरली पे आप काउंट करेंगे तो ईयरली पे देखिए 128% का अभी तक इसने 128% का वो दे चुका है ये रिटर्न। ये देखिए इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, और वॉलीडिटी के साथ 2.87% की वॉलीडिटी के साथ निफ्टी के साथ वर्किंग करता है ये निफ्टी के अंदर। तो ये 67% एनालिसिस हमें बोले इसमें बाय करने के लिए, PE रेट देखिए कितना हाई है। तो अभी देखिए इसका, देखिए इसने बस 8 मार्च क्वार्टर में इसने 8% का ही प्रॉफिट दिखाया था 2021 के अंदर, बाकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आप देखिए 2018 से 19-20 यानी कि एवरी ईयर प्रॉफिट कर रही है कंपनी, और अब तो काफ़ी अच्छा टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ चुकी है, टेक्सटाइल के अंदर अच्छा बिजनेस आ रहा है। तो ये है, और इसका फाइनेंशियल आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये देखिए फाइनेंशियल के अंदर ये देखिए एवरी ईयर ये प्रॉफिट मेकिंग है, यानी कि 2018 से ये देखिए 2017 यानी कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेकिंग है, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड पेइंग भी कंपनी है। तो इसके अंदर आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है और अपने पैसों को मल्टीप्लिकेशन पर लाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये मैं कोई इंट्राडे नहीं देता हूँ आपको, बस इसलिए देता हूँ कि भाई हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होती है भाई, वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि बाय करके होल्ड करके बैठ जाइए, और जब आपको लगे कि इसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो इसमें सेल कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, अदरवाइज जितना आपने लगाया उतना आप निकाल के उस शेयर को आप छोड़ दीजिए, जितना आपने शेयर में लगाया उतना शेयर में लगा के छोड़ दीजिए, बाकी उसे बढ़ने दीजिए घटने दीजिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं मनी कंट्रोल की साइड पर आता हूँ, तो मनी कंट्रोल की साइड पर भी देख लेते हैं, ये देखिए यानी कि मैंने बताया ना 8% का सेल का ऑप्शन बोल रहे हैं, बट सेल नहीं करना है आपको, बाय करना है, गिरावट के अंदर बाय करना है। जो बड़ी शार्क हैं वो छोटी मछलियों को चारा देते हैं, वो पैनिक होकर सेल करते हैं, मगर कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी बिजनेस अच्छा है, कंपनी की अप ट्रेंड बाकी है, कंपनी
अपने लाइफ टाइम पे हाई पे तोड़ेगी, अपना 52 हाई भी तोड़ेगी। पहला टारगेट मेरा 340 रुपये का है, दूसरा टारगेट मेरा 360 रुपये का है। इन दो टारगेट का आप वेट करके होल्ड करिए, और आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।